please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के 6 माह का कार्यकाल इस हफ्ते पूरा हो रहा है, 6 माह के कार्यकाल में क्या विशेष उपलब्धियां रहीं और आगे 4.5 साल के लिए क्या रूपरेखा खींची सरकार ने, ये एक विशेष इंटरव्यू आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हम लोग को आज दे रहे हैं, जिसमें कि बेबाकी से कई सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। स्वागत है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। सबसे पहला तो सवाल, आप गोरखपुर में इतने सालों से सांसद थे, एक महंत हैं आप, और अब मुख्यमंत्री एकदम से उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक हॉट सीट जिसको कहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहता है स्टेट, हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा सूबा है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो एक महंत से एक सीएम, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ओवरनाइट आपका हुआ, कैसा महसूस करते हैं? मैं पिछले 5 बार से गोरखपुर से सांसद हूं, ओवरनाइट नहीं हुआ है। 5 बार से सांसद के रूप में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ साथ जो कार्य सार्वजनिक जीवन में हम लोगों ने किए हैं, पार्टी ने उस पर मोहर लगाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है। मैं इसको ये मानता हूँ कि एक परीक्षा है मेरे लिए, और उस परीक्षा पर, उन जन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति जो प्रदेश के 22 करोड़ जनता की है, उसको पूरा करना एक मेरा दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, 6 महीने आपके पूरे हो गए हैं, इसमें पिछले 6 महीने के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की हालात कैसी है वो आप स्पष्ट जानते हैं। सबसे बड़ी एक उपलब्धि अगर आप बताएं पूरा सम अप करके, कि एक बड़ा चेंज क्या आया है आपके इस 6 महीने के कार्यकाल? हम लोगों ने 6 महीने के दौरान प्रदेश की जनता के अंदर एक विश्वास भरा है। आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के संतोष और संतुष्ट हो सकता है कि शासन प्रशासन की व्यवस्था संवेदनशील है, संवेदनशील बनी है और संवेदनशील बनेगी। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, और उत्तर प्रदेश जो एक जंगल राज में परिवर्तित हो चुका था, अराजकता जिसकी पहचान बन चुकी थी, उससे मुक्त होकर के एक नया वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, और वह वातावरण उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में बच्चों की, नवजातों की कुछ डेथ्स हो गई, उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन आप वहाँ के, आपका एक पर्सनल जुड़ाव भी है उत्तर प्रदेश के साथ है, लेकिन वहाँ से थोड़ा ज़्यादा आपका एक जुड़ाव होगा, क्या फीलिंग आपको आई? क्योंकि आप खुद सत्ता शीर्ष पे बैठे थे, आपके पास सारी चीज़ें थी, लेकिन हालात पिछले कई सालों में ऐसे बने थे कि शायद सरकार को उसको टैकल करने में कुछ टाइम लगा, आपको क्या पहली? देखिए, मौत दुखद है और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन गोरखपुर की घटना को मीडिया ने इस बार जिस नकारात्मक तरीके से उठाया है वह उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, खासतौर पर तब जबकि सरकार ने पहले से 5 महीने अपने कार्यकाल के दौरान, 4-5 महीने के दौरान कुछ कार्य किए थे। पहली बार हुआ है कि सरकार बनते ही हम लोगों ने बैठक लेकर के और इंसेफ्लाइटिस के प्रति संवेदनशील जनपदों में 92 लाख बच्चों को, 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के 92 लाख बच्चों को टीकाकरण किया था इंसेफ्लाइटिस के। पहली बार हुआ था कि अति संवेदनशील 20 जनपदों में पीडियाट्रिक्स का ICU हम लोगों ने संचालित किया, कहीं 12 बेड का, कहीं 10 बेड का। पहली बार हुआ था कि उन 20 जनपदों के फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन को हम लोगों ने, और पैरामेडिकल का स्टाफ को हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, इंसेफ्लाइटिस वेक्टर बाउंड और वाटर बाउंड जितनी भी डिजीज होंगी इसको रोकथाम करने के लिए
और बीमारी अगर हो जाए तो इसके उपचार के लिए क्या व्यवस्था की जानी है, उस दृष्टि से पहली बार फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब इंसेफ्लाइटिस के उपचार की व्यवस्था के लिए सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चिकित्सक भी तैनात हुए, पैरामेडिकल का स्टाफ भी तैनात हुआ। फर्स्ट टाइम हो रहा है जब इंसेफ्लाइटिस के आंकड़े हर वर्ष की तुलना में कम थी। 2015 में 668 मौत उसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होती है, 2016 में 585 मौत उसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होती है, और इस वर्ष 325 मौत हुई, 668, 585 और 325 में कोई तुलना न करके उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके सनसनी पैदा करने का प्रयास हुआ। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किसको ब्लेम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये डॉक्टर आज उपचार से डर रहा है और गरीब जिसको मुफ्त में उपचार की व्यवस्था होती थी वह हॉस्पिटल में जाने से डर रहा है। यह जो सनसनी है मुझे लगता है इससे बचना चाहिए था। प्रदेश में तमाम जगह हालात, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो और चाहे वो पुलिस हो, चाहे अन्य विभाग हो सरकार के, भाजपा कहती भी रही है कि सिस्टम बहुत डीरेल मिला। आपको 6 महीने में आप सारी समस्याओं से रूबरू हो गए, क्या उत्तर प्रदेश का पूरा जब फीडबैक आपको मिलता है तो आप कितना पीछे उत्तर प्रदेश को देखते हैं, कहाँ पे खड़ा पाते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश आज़ादी के समय देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर था, आज पीछे से नंबर 3 पर है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्षों के दौरान सरकारों की कार्य पद्धति ने, उनकी तुष्टिकरण की नीति ने, उनके भ्रष्टाचार ने, उनके परिवारवाद ने, उनके जातिवादी मानसिकता ने इस प्रदेश को बहुत पीछे धकेला है। हमारे सामने एक चैलेंज है, हमारे सामने एक चुनौती है, उत्तर प्रदेश के किसानों की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक निवेश फ्रेंडली माहौल तैयार करने का, और हम लोगों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। आप देखे होंगे कानून व्यवस्था में धीरे धीरे करके सुधार की तरफ आया है, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन देखने को मिला है। अब आप देख रहे होंगे इनामी जितने भी बदमाश हैं, पेशेवर अपराधी है, वह या तो बेल कैंसिल करा के जेल के अंदर भाग रहा है या प्रदेश से बाहर भागने की फिराक में है, दूसरे प्रदेशों में जाकर के सरेंडर कर रहा है। जी योगी जी, जो बात अभी आप कह रहे थे उसी से जोड़ते हुए, 17 साल से लगभग यहाँ पे रीजनल पार्टीज की सरकार थी, नेमली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आपको लगता है कि क्या रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट एक राष्ट्रीय पार्टी की गवर्नमेंट से भिन्न होती है या कम होती है, उनका उनमें इश्यूज ज़्यादा होते हैं, करप्शन ज़्यादा होते हैं, मैल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, सपा बसपा मुझे लगता है कि इन लोगों की कोई राजनीतिक सोच नहीं, इनका कोई लोक कल्याणकारी एजेंडा नहीं, एक संकीर्ण राजनीतिक दायरे में कैद होकर के इन लोगों ने प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, प्रदेश की राजनीति को भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबोया है, राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधों का व्यवसायीकरण किया है और प्रदेश के विकास को बाधित करने का महापाप किया है। इसलिए मुझे लगता है कि सपा बसपा के लिए प्रदेश की राजनीति में कोई जगह अब नहीं होनी चाहिए। सर, एक बात और आ रही है कि पुलिस की कार्रवाई, अब पुलिस थोड़ा सा थाने में भी दिखती है, जन कंप्लेंट्स जो आती हैं उसमें थोड़ा एक्टिव भी है, बट एक बात जो दूसरी उठ रही है कि कुछ इनकाउंटर्स इधर बढ़ गए, तो एग्रेसिव पुलिसिंग, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, क्या ये नया पॉलिसी है गवर्नमेंट? देखिए, हम लोगों ने प्रशासन को एक बात साफ कही है कि आम पब्लिक के साथ अधिकाधिक संवेदनशील बनी है, जो कानून का सम्मान करे कानून को उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो कानून को धता बता करके कानून को चैलेंज करे तो कानून को अपनी कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए बिना हिचक के, और जितनी सख्ती के साथ अपराधी गुंडों से निपटा जा सकता है निपटा जाना चाहिए। और पुलिस कर रही है, बेहतर कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि आम जन के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए, पिछले 15 वर्षों के कचड़े को साफ करने के लिए ये प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
सर, इसी से जुड़ा आपने कुछ बयान दिया था कि अपराधी अपराध करना नहीं रोकेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, तो ये इस पॉलिसी का क्या कंटिन्यूएशन है? हमने कहा ना, जो लोग गरीबों को मारेंगे, व्यापारियों का अपहरण करेंगे, बालिकाओं का अपहरण करेंगे, पुलिस पे गोलियां चलाएंगे, तो क्या पुलिस माला जपेगी? अपराधी गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से पुलिस देगी। सर, ये कुछ खबरें आई कि गवर्नमेंट चाहती है स्कूल और कॉलेज का पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस लाने का, और इसमें से जुड़ी हुई बात यह है कि शायद भाजपा और संघ का जो एक एजेंडा है, कुछ नेशनलिस्ट फिगर्स को उसमें प्रमोट करना चाहते हैं, या ये आरोप लगता है दूसरी तरफ से कि हिंदुत्वाइजेशन ऑफ सिलेबस करने की ये एक कदम है आपकी तरफ से? देखिए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए उसमें परिवर्तन करने के लिए कमेटी तैयार की जा रही है, और कमेटी उसके माध्यम से बना करके अगले वर्ष इसको लागू कर सके, बेसिक में भी, माध्यमिक में भी, उच्च में भी, इसके बारे में हम लोगों की पूरी रणनीति तैयार हो रही है। और जब हमारा नया पाठ्यक्रम आएगा एनसीईआरटी की तर्ज पर, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत शिक्षा हो, राष्ट्रीयता से उत्प्रोत शिक्षा हो, अपने पूर्वजों, अपने महापुरुषों, अपनी परंपराओं का सम्मान करने वाली शिक्षा प्रदेश के अंदर हो, ये मुझे लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य है ही यही, हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप मतलब आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें कोई हिंदुत्व एजेंडा नहीं है, लेकिन आपके जैसे कुछ दो तीन वक्तव्य या बयान पिछले कुछ दिनों में आए, ताजमहल पे आपका एक बयान बहुत चर्चित रहा, फेमस रहा, फिर आपने कहा स्पीकर से तो कांवड़िए भी डीजे बजाएंगे या अपना भजन बजाएंगे, सड़क पे निकलेंगे, तो इन सब चीज़ों को एक हिंदुत्व एंगल से देखिए, हिंदुत्व है क्या? पहले भारत की जो मूल आत्मा है, आप उसको सांप्रदायिक कहकर के कब तक अपमानित करेंगे? एक हिंदुत्ववादी होना अपराध नहीं है। हिंदुत्ववादी होने का मतलब मानवतावादी होना है। अब मुझे तो बताइए, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मत, कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा सेक्ट दुनिया के अंदर जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात की हो, जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की हो? हिंदुत्व कभी किसी एक मत, किसी एक उपासना विधि, किसी एक संप्रदाय का आग्रही कभी नहीं रहा। हिंदुत्ववादी होने का मतलब मानवतावादी होना है, और उस मानवतावादी होना अपराध नहीं है। हमने इसी बात को कहा, पर्व और त्योहार एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए होने चाहिए। ये बात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुझे बताया गया, क्योंकि यहां पे मैं कुछ जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने के पहले चर्चा हो रही थी, तो उस पर यह बात सामने आई कि साहब, कुछ राज्यों से बात सामने आई कि हम कांवड़ यात्रियों पर स्पीकर, लाउड स्पीकर और डीजे पर पूरी तरह हम लोगों ने बैन किया है। मैंने कहा क्यों किया है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ है? मैंने उनसे आदेश मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि धर्मस्थलों पर जो भी आप वाद्य यंत्र लगाएंगे उसकी आवाज़ इतने कुछ डिसिमिल तक उन्होंने सीमित करने की बात की है, बैन करने की बात नहीं की थी। और मैंने इसी बात को कहा था, मैंने कहा यह सभी धर्मस्थलों पर बराबर लागू होता है। हम कांवड़ यात्रियों को इस आधार पर उससे वंचित नहीं कर सकते। आप उसको न्यायालय की आदेश की परिधि में उसको सीमित रखिए, लेकिन हम उनको बैन करके उत्तेजित न करें। हम उनकी भावनाओं को सम्मान दें, और अगर आप एक सम्मान देंगे तो आप देखना उस शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जब हम प्रतिरोध करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई देती है, हमें इससे बचना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि कांवड़ यात्रा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न हुई। हम लोगों ने इसी बात को कहा, अरे बस भगवान शिव की यात्रा है, कांवड़ यात्रा भगवान शिव की यात्रा है, शव यात्रा नहीं, उसमें उनको माइक बजाने दो। न्यायालय की आदेश के क्रम में उसकी ध्वनि की आवाज को नियंत्रित करवाइए। केवल शंख बजाना चाहते हैं बजाने दो, घंटा बजाना चाहते हैं बढ़ाने दो,
डमरू बजाना चाहते हैं बजाने दो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से उनको निकलने दो।